बचपन में अक्सर हम पैसे जमा करने के लिए गुल्लक खरीदते थे। बाजार में नए डिजाइन के गुल्लक दिख जाएं तो आंखें वहीं टिक जाया करती थी। हालांकि भारतीय लोगों में यह हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। इन दिनों बाजार में मोदी गुल्लक चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश गुल्लक को पीएम मोदी का आकार दे रहे हैं। अब बच्चे मोदी आकृति वाले गुल्लक में पैसे जमा कर सकेंगे। जयप्रकाश इसके लिए बच्चों के बीच पीएम मोदी के संदेश को फैलाना चाहते हैं। बाजार में भी मोदी गुल्लक की खूब डिमांड है। जयप्रकाश ने कहा कि मोदी गुल्लक बनाने का ख्याल तब आया जब पहली बार देश में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। पीएम मोदी देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि गुल्लक में करीब 1 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। गुल्लक को बनाने में करीब 1 महीने का समय लगा, उसके बाद गुल्लक को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। जयप्रकाश पीएम मोदी के समर्थक हैं और पीएम मोदी की प्रतिमा बनाकर पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। जी, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन से हमने इस मूर्ति को सोचा बनाने का, और उनका न्यूज जो देख रहे थे मोदी जी का, तो वो उसमें बोले कि जीत जाएंगे हम इस जंग से, लड़ाई से, कोरोना काल से। तो हमारे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आया कि वो हमारे देश को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी उनका ही प्रतिमा बना के इसमें बचत के माध्यम से बैंक बना के जनता को बचत के लिए एक दिन काम आएगा। इसमें हम समझते हैं पूरा पैसा अगर डाला जाए नोट और सिक्का मिला के तो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जमा होगा। खाली नोट डाला जाएगा तो 200 लाख रुपया जमा होगा। बता दें कि पीएम मोदी के मूर्ति की डिमांड चुनाव में भी खूब रही है। जयप्रकाश पीएम मोदी की हूबहू प्रतिमा बनाए करते हैं, जिसे चुनाव के दौरान केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी इसे खरीदने आते हैं। अब गुल्लक को तैयार करने के बाद जयप्रकाश इसका उपयोग बच्चों के बीच पीएम मोदी के संदेश को फैलाने के लिए करना चाहते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी मोदी गुल्लक खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।